कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, मछली मार्केट में फायरिंग की घटना सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मछली मार्केट में फायरिंग हुई है। भूरिया नाम की युवक को फायरिंग में गोली लगी है। कैथुनी पोल थाना इलाके का ये मामला है, कैथुनी पोल थाना इलाके का मामला है। आपसी रंजिश के चलते ये वारदात हुई है। कोटा में मछली मार्केट में फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें भूरिया नाम के युवक को गोली लगी है। कैथुनी पोल इलाके का मामला है ये, आपसी रंजिश के चलते फायरिंग हुई है। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है। इस मामले को लेकर मछली मार्केट में फायरिंग हुई है, हरिराज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर। हरिराज, क्या ये जो युवक था भूरिया नाम का, इसकी मौत हो गई है, और आखिर क्यों ये फायरिंग की घटना हुई, कारण क्या रहा इसका? बिल्कुल, आखिर ये मछली मार्केट का मामला है और ये कैथुनी पोल थाना क्षेत्र का मामला है। पिछली भी बार एक जो चाकू से एक एक कुल मिला के चाकू से एक हत्या की थी, उसी का बदला लेने के लिए आज इसने साकी नाम के एक अमन बच्चा है जो उसको मतलब 5-7 मतलब फायरिंग से वार करके उसकी मौके पे उनकी मौत हो गई और मोर्चरी में यहाँ पे हंगामा किया जा रहा है और इसके साथ ही पुलिस मौके पे है। जी आशीष, हरिराज विस्तार से थोड़ा इस मामले को बताइए, आखिर किसने क्यों फायरिंग हुई, कारण क्या रहा, मामला क्या था पूरा? बिल्कुल आखिर ये मामला पहले पिछली बार जो चाकूबाजी हुई थी, पति पत्नी की हत्या हुई थी, उसी के उसी को बदला लेके आज उन्होंने उसी को मैटर में यहाँ पे आज फायरिंग की है। जो साकी नाम का है, जो अमन बच्चा नाम का है, यहाँ पे खुगा जो अपराधी कई सारे इसमें केस भी दर्ज है, वो जेल भी होके आया अभी उसी दिन, वहाँ जेल छूटने के बाद ये बदला लेना चाहता था। आज साकी नाम के व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी मौके पे ही, और वो जो एम्बियस में इसके परिजन हंगामा कर रहे हैं और मोर्चरी में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। धन्यवाद हरिराज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपसी रंजिश का ये पूरा मामला निकल कर आ रहा है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं हरिराज, और उस आपसी रंजिश के चलते एक युवक जिसका नाम भूरिया है सामने आ रहा है, उसकी मौत हो गई है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।